कि घोड़ा का जो पूंछ होता है। सुशील भाई, आज के जो प्रोग्राम है सुशील भाई के लिए पॉसिबल हुआ है। और ये देखिए हमारा गुरु भाई है, और ये टिकट काउंटर भाई। हम लोग लोकल हैं इसलिए हम लोग के लिए डिस्काउंट है, पर आधार कार्ड देना पड़ेगा जो भी आओगे। अपना आईडी प्रूफ दिखाना, जो बड़े सब डिविजन का जो लोकल हो गए उन लोग के लिए डिस्काउंट मिलेगा। आपका कुछ है क्या? नहीं, मेरे पास है ना भाई आधार कार्ड है। देखिए भाई ये मेरा आधार कार्ड है, मैं अभी दिखाने वाला हूँ। देखिए भाई ये बाइक का टिकट है, एक बाइक का 30 रुपया ले रहे हैं लोकल के लिए। देखिए भाई हम लोग लोकल हैं इसलिए हमसे 10 रुपया लिया गया। अगर कोई बने सब डिजन से बाहर से आएंगे तो आप लोग के लिए 20 रुपया पड़ेगा। तेनू पुछना है कोई सवाल, वो दस दे खवारिया है किसे दे तू नाल, क्यों दूरो दूरो जानी है। ये खंडाधार का एंट्री गेट है, राइट साइड में पार्किंग है, लास्ट में 4 व्हीलर के लिए और इधर 2 व्हीलर के लिए। और आप इधर चलेंगे तो लेफ्ट में आप लोग को कैफे मिलेगा। देखिए फिर से गेट के बाहर टिकट चेकिंग चल रहा है। लेफ्ट इधर लेफ्ट में देखिए खंडाधार कैफे है। किसी हॉलीवुड मूवी के कैफे टाइप बनाया हुआ है। राइट साइड की सीढ़ी देखिए कितना सुंदर, और ऊपर में देखिए साइन बोर्ड। खंडाधार वाटरफॉल के एंट्री करते ही देखिए लेडीज टॉयलेट बना हुआ है। बहुत सारा टूरिस्ट प्लेस में लेडीज के लिए बाथरूम नहीं होता है इसलिए बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये टी हाउस, बहुत सारा छोटे छोटे स्टॉल है, सर्वर शॉप। आप लोग अगर राइट में चल जाएंगे तो इको कॉटेज है, इको कॉटेज खंडाधार, जो की एक लॉज है, मतलब जो दूर से आते हैं रेस्ट करने के लिए बनाया हुआ है। ये लास्ट गेट है, 3-4 गेट पार करके आए हैं, अभी ये आखिरी वाला है, फिर खंडाधार आने वाला है भाई, बहुत एक्साइटेड हूँ। ये नहाने के लिए बनाया गया है, और देखिए यहाँ से खंडाधार दिख रहा है। ऊपर नहा के बहुत लोग के डेथ हो चुका है इसलिए यहाँ नहाने के लिए फैसिलिटी बनाया गया है। और ये पानी जो है सप्लाई हो रहा है। इधर लेफ्ट में जाएंगे तो चिल्ड्रंस पार्क है।
और थोड़ा सा और लेफ्ट जाएंगे भाई, यहाँ पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे पिकनिक करते हैं, खाना वाना बना के। आप लोग जनवरी के टाइम में आएंगे तो यहाँ पे चलने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा, बहुत भीड़ होते हैं ओडिशा से बाहर, ओडिशा बाहर से भी लोग आते हैं सब। इधर देखिए बॉयज टॉयलेट है, इसलिए मेरे भाई लोग की रिक्वेस्ट है इधर उधर टॉयलेट मत करना, यही टॉयलेट बनाया गया है। रूप दे दीवाने तेरे नाम दी फेर दे माला, तेरे नाम दी फेर दे माला। अभी खंडाधर की तरफ बढ़ रहा है भाई, खंडाधर और कितना दूर है। ये सीढ़ी का शुरुआत है भाई, अभी तो सीढ़ी पूरा लास्ट तक बन गया है, 4 साल पहले सीढ़ी बना नहीं था। उस टाइम जब हम आते थे पेड़ को पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ते थे, अभी पूरा का पूरा सीढ़ी बन गया, आराम से आप लोग आ सकते हो। ये छोटा सा मंदिर है, देखिए ये कृष्णा जी हैं और राधा जी हैं, राधा कृष्णा जी का मंदिर है, सामने हनुमान जी हैं। जय श्री कृष्णा। देखिए हमारे भाई लोग सब नहाने के लिए रेडी हैं, पर अभी नहाने के लिए नहीं दे रहे हैं, तो बारिश हुआ है, बहुत जोर का पानी आ रहा है। देखिए नया नया बैरिकेड बनाया गया है, पहले 1 साल पहले ये बैरिकेड नहीं था, अभी सेफ्टी के लिए बैरिकेड बनाए हैं। अरे नजारा भाई, जितना देखते देखोगे उतना देखने का मन करेगा। धूप के महीने में जो आते हैं ना, इतना जोर पानी नहीं गिरता है, मजा आता है, पर इतना भी नहीं, अभी जितना जोर का पानी आ रहा है, पानी का स्पीड बहुत ही जोर है। देखिए भाई लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। भाई आप कहाँ से आए हो? देवगढ़ से। देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ से? देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट पंडाल। देखिए मेरा भाई कितना दूर से आया है। कोई सवाल वो रस दिखवा रही है किसे दे तू ना जान कट जानी। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग जोड़ा बड़बिल से आए। सर लोग जोड़ा बड़बिल से हमारा वाटरफॉल देखने आए हैं। सर पहले से आए थे? हाँ, मैं ये तीसरा दफा है, मैं 2 बार पहले आ चुका हूँ। सर कैसा लगा? ब्यूटी बहुत अच्छा है, इसलिए मैं साथी मेरा अपना स्टाफ को भी लेके आया हूँ, शरद पति। सर पहले आए थे कैसा लगा था वाटरफॉल? अच्छा लगा था, बोलते भाई सबको मोटिवेट करता हूँ कि वहाँ जाइए और वहाँ देखिए, वो वाटरफॉल जो है वो इंडिया का सुने हैं 11 नंबर पोजीशन में है, और इसको हॉर्स टेल का नाम दिया गया कि घोड़ा का जो पूंछ होता है उस शेप में ये हॉर्स टेल टाइप का जो वाटर का फ्लो है उसी तरह है, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि सब कोई आए और यहाँ का मजा ले, और हमारा जो टूरिस्ट जो डिपार्टमेंट है, जो टूर एंड ट्रेवल का जो है उड़ीसा का, उनको भी मैं गुजारिश करूँगा कि इसको और थोड़ा डेवलप करें, रोड का कम्युनिकेशन का थोड़ा और अच्छा से व्यवस्था कर ले जाए। धन्यवाद। खंडाधर वाटरफॉल कैसा लगा? लास्ट टाइम मैं आप लोग को बताया था नया प्लेस नया व्यू के साथ मिलूंगा, आज आप लोग को मैं खंडाधर वाटरफॉल घुमाने लेके आया था। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर आप लोग के साथ नया व्यू नया प्लेस के साथ मिलूंगा। जय श्री कृष्णा।